जिले की रसोइयों ने की सामूहिक हड़ताल, अनिश्चितकालीन हड़ताल की दी चेतावनी। नगर मुख्यालय बालाघाट में जिले की आंगनवाड़ी एवं स्कूल की मध्याह्न भोजन की रसोइयों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर सोमवार को सामूहिक हड़ताल की गई। साथ ही प्रदेश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा गया कि अगर जल्द से जल्द मांग पूरी नहीं की जाती व उस पर कोई सुनवाई नहीं होती है तो वह अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए मजबूर होंगे। बता दें कि रसोइयों के द्वारा पूर्व से मानदेय सहित अन्य लंबित मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, जिस पर किसी प्रकार का कोई ठोस कदम सरकार के द्वारा नहीं उठाया गया है, जिसको लेकर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की है। BNN टाइम्स के लिए बालाघाट से दुर्गा शरणागत की रिपोर्ट। सामूहिक हड़ताल पे बैठे हैं, हमारी मध्याह्न भोजन आंगनबाड़ी की रसोइया हैं, अपनी मांगों को लेकर सरकार को बताना चाह रहे हैं कि हमको 2000 रुपए में हमारा घर नहीं चलता। वो हमारे लिए बहुत मानसिक और शोषण किया जा रहा है सरकार के माध्यम से, और आंगनबाड़ी की रसोइया को 500 रुपए दिया जाता है। ये बहुत बड़ा शोषण है इन भारत की और हमारे प्रदेश की महिलाओं के लिए। मैं मुख्यमंत्री महोदय से मांग करना चाहता हूँ, राज्यपाल महोदय से मांग करने के लिए हम लोग हड़ताल पे बैठे हैं बालाघाट जिले की महिला, और पूरे जिले में हड़ताल हो रही है कि अपनी मांगों को लेकर। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमें अपनी सम्मानजनक जिंदगी जीने के लायक आप पैसा दे दीजिए, आपका सम्मान हम भी करेंगे, ऐसा नहीं। पर मुख्यमंत्री जी सुन नहीं रहे, और मुख्यमंत्री से हमारी एक आह्वान है कि हमें महापंचायत बुलाया जाए। सबकी महापंचायत बुला रहे हैं आप, हमारी रसोईया बहनों को महापंचायत नहीं बुला रहे। क्या इनने गुनाह किया है? छोटे छोटे नन्हे मुन्ने को भोजन करवा रहे हैं 800-1000 साल से, आप जितने के वेतन उनके उतना ही रखे हैं। हम सरकार से मांग करने के लिए बैठे हैं, और यहाँ के सांसद विधायक को भी बताना चाहते हैं और कलेक्टर को बताना चाह रहे हैं कि भाई आपके जिले में इतनी हजारों की संख्या में महिला बालाघाट बैठी है,